सिंपल मशीन्स, सिंपल मशीन्स वो मशीनें हैं जो हमारी जिंदगी, हमारे डेली के लाइफ में यूज होता है, डेली के लाइफ में यूज होता है। और कुछ सिंपल मशीनें ऐसी होती हैं जो हमारे घर के अंदर भी रखा रहता है। तो आज उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे और समझ लेते हैं कि सिंपल मशीन होता क्या है, वो कैसे वर्क करता है और इसके पीछे कौन सा फोर्स होता है ना, कैसे इस पर कौन कौन सा फोर्स काम करता है, ये सब भी समझ लें। पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि पूरे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें मौजूद हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट सेलेस्टियल बॉडी है ना मौजूद है, यूनिवर्स, आपके सन, सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स, स्टार, गैलेक्सी, स्टार क्लस्टर, गैलेक्सी क्लस्टर, सुपर क्लस्टर, हर चीज के मूवमेंट, हर चीज के मूवमेंट में जो वो मूव करता है उसके पीछे फोर्स होती है, फोर्स काम करती है। और हम लोग जो भी काम करते हैं उसमें भी फोर्स होता है, किसी चीज को ले जाना, लाना, कोई भी काम करना, एक गिलास पानी भी अगर आप पीते हैं तो उसमें भी फोर्स है, किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग उसमें भी फोर्स है, गाड़ी चलाना, गाड़ी को रोकना है ना उसमें भी फोर्स है। तो फोर्स कई तरह की होती है, हमने तो ये तो बहुत आगे की पढ़ाई है, ऊपर की पढ़ाई है। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिंपल मशीन के बारे में पढ़ेंगे, सिंपल मशीन के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल में जैसे आप समझ लीजिए कि जो सिंपल मशीन होती है उनका काम होता है फोर्स को मैग्निफाई करना, फोर्स को मैग्निफाई करना। जैसे घर में आप लोगों के कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जिनमें आप लोगों को स्क्रू ड्राइवर, रिंच, प्लास है ना, हैमर, एक्स यानी कुल्हाड़ी, ये सब चीज का जरूरत पड़ता होगा। तो ये सब क्या है, गियर, व्हील, ये सब क्या है, ये सब सिंपल मशीन है, लीवर, ये सब सिंपल मशीन है, क्या है, सिंपल मशीन है। जैसे हमने बोला कि फोर्स मैग्निफाई करता है, फोर्स को ये एक तरीके का फोर्स मैग्निफायर होता है, फोर्स को बढ़ाता है, ताकत को बढ़ाता है, यानी हम जो ताकत दे रहे हैं, ह्यूमन इंसान के तरफ से जो ताकत मिल रही है एक काम को करने के लिए, एक काम को करने के लिए, उस काम को पूरा हो जाए उसमें ये सिंपल मशीन क्या करती है, हमारे दिए हुए फोर्स को मैग्निफाई करती है, बढ़ा देती है, अब वो काम हो जाता है, डन होता है। जैसे आप समझ लीजिए कि ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, क्या है, लकड़ी का है, इसको काटना है, इसको काटना है, तो इसको काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कुल्हाड़ी है ना, क्या इस्तेमाल किया जाता है, कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो कुल्हाड़ी एक्स क्या है, एक सिंपल मशीन है, है? इसमें एक पॉइंट होता है ऐसा जो धारदार होता है, क्या होता है, धारदार होता है, नहीं पॉइंट, लेकिन इसके साथ एक हैंडल जुड़ा होता है, क्या जुड़ा होता है,
हैंडल जुड़ा होता है। इंसान कहां पर पकड़ता है हैंडल के किनारे, हैंडल के किनारे पकड़ता है और कुल्हाड़ी मारता है लकड़ी पर। तो हम जो फोर्स दिए, जो हमने इसके हैंडल को पकड़ के जो मैंने फोर्स दिया, हमने फोर्स दिया, ये फोर्स ये मैग्नीफाई होता चला गया, क्या हुआ, बढ़ता चला गया। और ये जो पॉइंट है धार, इस पर ये जो है क्या होता है, इसका सेंटर हो जाता है फोर्स का और वो लकड़ी कट जाती है। ये ज्यादा से ज्यादा फोर्स कम से कम पॉइंट पे फोकस होकर के सेंट्रलाइज होकर के वो लकड़ी को क्या करता है, काट देता है। अब अगर हम इस कुल्हाड़ी में से इस हैंडल को अगर हटा देते हैं एक्स में से, और उसके बाद अगर हम काटें, तो क्या हम उतना फोर्स दे पाएंगे कि लकड़ी कट जाए? नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि हैंडल क्या कर रहा था, हमारे दिए हुए फोर्स को मैग्नीफाई कर रहा, बढ़ा रहा था, समझ गया। उसी तरीके से रिच होता है घर में, रिच होता है किसी सामान में, आपके किसी भी चीज में, प्रोडक्ट में, किसी भी ऑब्जेक्ट में नट बोल्ट कसा हुआ है, नट बोल्ट कसा हुआ है, उसको आपको खोलना है, उसको आपको खोलना है। आप हाथ से खोलते हैं, नहीं खुल रहा है, कहां ध्यान है, नहीं खुल रहा है ना। लेकिन आप उसमें क्या करते हैं, उसके हेड पर रिंच लगा देते हैं, उसके हेड पर रिंच लगाते हैं। अब जब आप रिंच लगाते हैं, तो आप रिंच के हैंडल का दूसरा किनारा, एक किनारे को पकड़ते हैं, किनारे को पकड़ते हैं और रिंच को आप घुमाते हैं, नट बोल्ट खुल जाता है। लेकिन आप जहां पर हेड फंसाया हुआ है वहां पर से पकड़ के घुमाइए तो घूमेगा नहीं, घूमेगा नहीं, खुलेगा क्यों नहीं खुलेगा, क्योंकि फोर्स मैग्नीफाई नहीं हो पा रहा है। हैंडल के किनारे से पकड़ के जितना लंबा हैंडल रहेगा उतना ज्यादा आसानी से खुलेगा, उतना ज्यादा फोर्स मैग्नीफाई होगा, समझे, आसानी से समझ रहे हैं। स्क्रू ड्राइवर होता है सबके घर में होगा, सही होता है जी, मान लेते हैं ऐसा ही होता है। ये पेंच है, कसा हुआ है, किसी भी सामान में, लकड़ी का सामान हो या लोहे का सामान हो, पेंच कसा हुआ है, हाथ से खोलेंगे नहीं खुलेगा। लेकिन इस पेंच स्क्रू ड्राइवर को पेंच के हेड पे लगा करके, समझ लो शायद, लगा करके और इसके हैंडल का ऊपर का हिस्सा पकड़ के हम घुमाते हैं, पेंच खुल जाता है। जहां पर हम स्क्रू ड्राइवर को स्क्रू के हेड पे फंसा रहे हैं वहां पर से पकड़ के घुमाएंगे तो घूमेगा नहीं, घूमेगा। जब भी घूमेगा ऊपर से, यानी ऊपर से नीचे तक आते आते क्या होता है, फोर्स मैग्नीफाई होता जाता है, फोर्स बढ़ती चली जाती है और एक सेंटर पॉइंट पे, एक छोटे से पॉइंट पे फोर्स फोकस होकर के उस चीज को खोल देती है, समझ गया। सिंपल मशीन का काम क्या है, जो फोर्स हम देते हैं उस फोर्स को बढ़ा देना, मैग्नीफाई कर देना, ताकि जो हम काम करना चाह रहे हैं वो काम आसानी से हो जाए। किसी चीज को खोलना, कसना, काटना, या फिर ऐसा भी होता है, गियर होता है, घर में छोटा बच्चा है, खिलौना लाते हैं, कार वगैरह खरीद के लाते हैं ना जी, कार को कभी खोल के आप देखिए, उसके अंदर एक सिंपल मशीन होती है, सिंपल मशीन होती है, उसमें आप देखिएगा कि व्हील होता है, आप व्हील में ऐसे कटहरा कटहरा से होता है, उसके साथ दूसरा एक कार जुड़ा रहता है, व्हाइट कलर का व्हील होता है प्लास्टिक का,
उसमें आप देखिएगा कि दांत के जैसे खड़ा था ना कटहल में, उसके साथ एक और भी फंसी रहती है, फिर इसी तरीके से दो तीन भी लगा रहता है, स्प्रिंग भी लगी होती है, और चाबी होता है, चाबी होता है या चाबी नहीं भी होता है अगर आप बैकवर्ड ले जाते हैं कार को और छोटे ससराकर भी भागता है तो क्या होता है उसमें गियर क्या कर रहा है, गियर क्या करता है, जो फोर्स हम देते हैं उसको गियर क्या करता है, मैग्नीफाई करता है। स्प्रिंग जो रहता है वो दिए हुए फोर्स को क्या करता है, स्टोर कर लेता है, चार्ज हो जाता है, स्प्रिंग स्टोर हो करके उसमें फोर्स, चार्ज होने का मतलब बैटरी चार्ज होने जैसा नहीं, उसके अंदर फोर्स चार्ज हो जाता है, ठीक है। अब उसको हम चाबी दिया, ठीक है, और रखा कार तेजी से भागी आगे, उसमें कौन काम कर रहा है, गियर, गियर क्या कर रहा है, दिए हुए फोर्स को बढ़ा देता है, दिए हुए फोर्स को बढ़ा देता है। एक समझने का तरीका ये भी है कि ये एक व्हील है, ठीक है, अब इसके साथ एक छोटा व्हील जुड़ा हुआ है, छोटा व्हील, फिर एक और व्हील जुड़ा हुआ है, इससे भी छोटा व्हील, इस व्हील को अगर हम घुमाएंगे, इस व्हील को हम धीरे धीरे घुमाएंगे, फिर इस व्हील, इससे ये व्हील घूमेगा, अब इससे ये बड़ा वाला, तो जो भारी वाला है वो भी घूमने लगेगा, जो बड़ा और भारी व्हील है, जैसे गियर, गियर से गियर में रहता है, हम कुछ हम तो अच्छे से हम बताते हैं आपको, जैसे बुक में आप देखिए, ये बड़ा व्हील है, इसके साथ एक छोटा व्हील जुड़ा हुआ है, है ना, जुड़ा हुआ है। अब इसमें से कोई सा भी व्हील हम घुमाएंगे तो दूसरा व्हील भी घूमेगा, अगर हम छोटा वाला व्हील घुमा रहे हैं तो बड़ा वाला व्हील घूम रहा है उससे, तो यानी मेरा फोर्स मैग्नीफाई हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उस तरीके से हम बड़ी बड़ी चीजों को कहीं ले जा सकते हैं, ला सकते हैं, मूव करा सकते हैं, समझ गए, तो फोर्स क्या हो रही है, उससे फोर्स मैग्नीफाई हो रही है ना। व्हील है, चक्का है, चक्का होता है, बाजार जाते हैं सब्जी लाने के लिए, ठेला वाला सब्जी बेचता रहता है, बाजार जाना और रिक्शा वाले को बोलते हैं लेकर के चलिए, रिक्शा वाले को बोलते हैं ये, लड़का लोग साइकिल चलाते हैं आप लोग, तो आप देखिएगा कि साइकिल में दो चक्का होता है, पीछे में छोटी सी पुली लगी होती है जिसमें चेन चेन लगता है, और फिर आगे में वो आगे वाली पुली से जुड़ा रहता है जिसमें पैंडल होता है, आप बैठ के चला रहे हैं, आप पैंडल मारते हैं, पैंडल मारते हैं, वो चेंज क्या करता है कि पीछे वाली पुली घुमाता है, जब पीछे वाली पुली घूमती है तो पुली तो छोटी सी है लेकिन वो फोर्स को मैग्नीफाई कर दे रही है, चक्का, चक्का घूम रहा है और आगे बढ़ने लगता है, तो ये चक्का क्या कर रहा है कि फोर्स को मैग्नीफाई कर रहा है, तभी तो आगे बढ़ रहा है। अभी जैसे ठेला वाला सब्जी बेच रहा है और उसके ठेला से आप चक्का निकाल लीजिए, अब उसको बोलिए कि आप ठेल करके लेके जाइए, तो उसको क्या होगा, मुश्किल होगी, मेहनत ज्यादा लगाना पड़ेगा, है ना, मेहनत। मान लीजिए उसके ठेला पे 300, 400, 500 किलो वजन रखा हुआ है, 400, 500 किलो वजन रखा हुआ है उसके ठेला पर, है ना, आलू प्याज रखा हुआ है, ढेर सारी सब्जी रखी हुई है, अब उसमें से चक्का निकाल लिया जाए और बोला जाए कि आप लेकर के जाइए, मुश्किल हो जाएगी उसके लिए, लेकिन चक्का लगा रहेगा तो आराम से ठेल के ले जाएगा, तो वो जो चक्का है, व्हील है, वो क्या कर रहा है, जो फोर्स सब्जी बेचने वाला ठेला को दे रहा है उसको वो मैग्नीफाई कर रहा है, क्या कर रहा है, चक्का मैग्नीफाई कर रहा है, तब वो आसानी से लेकर के दिन भर भी घूम जाएगा, तब भी वो थकेगा नहीं, थकेगा, समझ गए। तो ये सब जो सिंपल मशीनें हैं ये क्या करती हैं, फोर्स को मैग्नीफाई करती है। अब जैसे लीवर,
एक लीवर भी होता है, लीवर समझते हैं आप लोग? इतना समझ में आया? यस सर। इसके दोनों तरफ पेट है, दोनों तरफ पेट है। ये आप समझ लीजिए कि लीवर के दोनों तरफ जो पेट रहेगा, जैसे लीवर का जो सेंटर पॉइंट है, लीवर का जो सेंटर पॉइंट है, उससे दोनों पॉइंट की दूरी बराबर हो जाए और बराबर वेट रख दिया जाए, तो क्या होगा? लीवर बैलेंस कर जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। यानी दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसिल करके बैलेंस हो जाएगा। लेकिन एक तरफ अगर वेट बढ़ा दिया जाए तो ये नीचे चला जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, है ना, और ये अपवर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और इसमें समझ लीजिए। इतना समझ गए? एक चीज और समझ, अगर हम ऐसा करें कि ये जो लीवर पे जो लीवर है इसका हम साइज घटा दें और बढ़ा दें, एक तरफ हम छोटा कर दें और एक तरफ हम बड़ा रखें, है ना, एक तरफ हम बड़ा रखें, तो जिधर बड़ा है उधर हम छोटा वेट रखेंगे, कम वेट रखेंगे, और जिधर साइज लीवर का साइज पॉइंट से कम डिस्टेंस पर है उधर हमको वेट बड़ा रखना पड़ेगा, तब ये बैलेंस होगा, तब ये बैलेंस होगा। समझे? क्यों? क्योंकि ये आपने हम बताया था ना आपको कि हैंडल जितना ज्यादा लंबा होता है उतना ज्यादा फोर्स को मैग्निफाई करता है, तो ये जो सेंटर पॉइंट है लीवर का, एक एक साइड मान लीजिए ये तख्ता रखा हुआ है, तख्ता रखा हुआ है ना, तो एक पॉइंट ज्यादा लंबा है और एक पॉइंट कम लंबा है, तो जो ज्यादा लंबा है वो ज्यादा फोर्स को मैग्निफाई करेगा, है ना, नहीं समझे? फोर्स को तो ये भी मैग्निफाई कर रहा है लेकिन कम कर रहा है, क्यों? क्योंकि एक तरफ से छोटा है और ये दूसरी तरफ से लंबा है, बड़ा है, तो जितना लंबा रहेगा उतना ज्यादा फोर्स को मैग्निफाई करेगा, समझे? इसीलिए इधर छोटा वेट रहेगा, इधर बड़ा वेट रहेगा, तब जा करके बैलेंस होगा। और तरीके से समझाते हैं, नहीं समझ में आया? नहीं समझा? फिर से इसको समझिए, एकदम सिंपल, अब सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं। ये एक फैल्कम है जो जमीन पर रखा हुआ है, जमीन पर रखा हुआ है, इसके ऊपर एक तख्ता रखा हुआ है, तख्ता रखा हुआ है, लेकिन तख्ता जो रखा हुआ है वो बराबर दूरी से नहीं रखा हुआ है, एक तरफ से ज्यादा लंबा है, एक तरफ से कम लंबा है। ठीक है, तो अब ये इसको हमको बैलेंस करना है, जैसा हमने बताया था कि दूरी जितना ज्यादा रहेगी उतना ज्यादा फोर्स मैग्निफाई होता है, है ना, तो सेम अब एक और नीचे हम बना देते हैं, एक और नीचे बनाते हैं, समझिए, समझने के लिए आपको, और इसमें एकदम बराबर बराबर रखते हैं,
यहाँ पे रखा हमने एक केजी मान लीजिए, तो इधर भी हम रखेंगे एक केजी, ठीक है। तो दोनों की दूरी बराबर है तो दोनों बराबर फोर्स को मैग्नीफाई करेगा तो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। जब बराबर फोर्स दोनों साइड से लगता है तो ये फोर्स को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं और बैलेंस हो जाती है, ऑब्जेक्ट बैलेंस हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि तख्ता एक तरफ से कम है और एक तरफ से ज्यादा है, तो इधर हम रखेंगे एक केजी और इधर भी हम रखेंगे एक केजी, तो बैलेंस होगा? क्यों नहीं होगा? इधर छुप जाएगा, जिधर तख्ता की लंबाई ज्यादा है कलकम से उधर छुप जाएगा। क्यों छुप जाएगा? क्योंकि ये फोर्स को ज्यादा मैग्नीफाई कर रहा है, समझ गए। मान लीजिए कि ये एक मीटर है, कितना है, एक मीटर इधर निकला हुआ है कलकम से और ये पांच मीटर निकला हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी पांच गुना, इसके मुकाबले इसका दूरी पांच गुना ज्यादा है, लंबा ज्यादा है, तो इधर अगर हम एक किलो रखेंगे तो इधर कितना रखना पड़ेगा हमको, तब जाकर के बराबर फोर्स होगा, तब जाकर के बराबर फोर्स होगा। क्यों? क्योंकि ये इसका लीवर की लंबाई ज्यादा होने की वजह से ये फोर्स को पांच गुना ज्यादा मैग्निफाई कर रही है इसके मुकाबले इधर के साइड के। आप कोई कंफ्यूजन, समझ गया ना। और अगर हम इधर एक किलो की जगह दो किलो अगर रख देंगे तो ये डाउन चला जाएगा और ये नीचे, ये ऊपर हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा, मतलब ये भारी पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि लीवर ज्यादा लंबा है, समझ गए। हाँ, कभी कोई सामान वगैरह होता है आप स्लोप पे चढ़ाना रहे, ऊंचाई पे चढ़ाना रहता है, उसमें बिल काम आता है ना जी। यस सर। तो बिल क्या कर रहा है, आपके दिए हुए फोर्स को मैग्नीफाई कर रहा है। कोई मुश्किल चीज है इसको समझना, सिंपल मशीन को कितना आसान है, नहीं समझ में आया? आ गया ना जी। यस सर। अब बुक से पढ़ लिया जाए। अब तक हम लोग बुक से नहीं पढ़ रहे थे, हम ऐसे ही बता रहे थे आपको। आपके घर में सुई है ना, सुई निडिल, सुई वो भी एक सिंपल मशीन है। हाँ, सीजर भी, वो भी मशीन है। पिन होता है ना, पिन टोकने वाला पिन, ऐसे वो भी एक मशीन है। वो क्या करता है, हम जो फोर्स देते हैं उसको एक पॉइंट पे है ना सेंटर करके फोकस कर देता है और उधर चला जाता है ना। सारी चीजें ये सब मशीनें हैं। आइए समझा जाए इसको। मशीन आर यूज्ड टू मेक आवर टास्क इजीियर। मशीन क्या करता है, हमारा जो काम है उसको इजी कर देता है, हल्का कर देता है। दे रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एफर्ट व्हाट वी नीड टू पुट इन टू लिफ्ट और मूव अ हेवी ऑब्जेक्ट। ये क्या करते हैं, हमारे जो एफर्ट है, हमारा जो जो एफर्ट हम लगाते हैं उसको क्या करते हैं, ये कम कर देते हैं, एफर्ट को कम कर देते हैं और चीजों को उससे हम आसानी से उठा लेते हैं, रख देते हैं, मूव करा देते हैं। वही चीज बता रहा है जो हम बताया था। मशीन कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। मशीन जो है वो ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर देता है ना। सो वी कैन मूव थिंग इन अ मोर हेल्पफुल वे। और हम चीजों को अपने और हम चीजों को क्या करते हैं, आसानी से
जिधर चाहते हैं उधर मूव कर लेते हैं। जैसे स्लोप है देखिए, एक स्लोप बना हुआ है, इस पर एक गाड़ी है, एक इसमें हैंडल है, आदमी पकड़े हुआ है, इसमें सामान रखा हुआ है और इसको लेके ऊपर जा रहा है ना। अगर इसमें से ये व्हील हटा दिया जाए, व्हील हटा दिया जाए तो ऊंचाई पे लेके जाना कितना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें जो ये व्हील लगा हुआ है ये क्या कर रहा है, जो एफर्ट हम लगा रहे हैं, जो एफर्ट यानी फोर्स हम लगा रहे हैं ऊपर ले जाने में, उसको ये व्हील मैग्निफाई कर दे रहा है और आसानी से हम ऊंचाई पे लेके इसको चले जाते हैं, चल जाते हैं और सामान अपना हम पहुंचा देते हैं। ठीक है, समझ गए। लीवर हमने आपको बता ही दिया, वही चीज सेम चीज इसमें बताया हुआ है लीवर के बारे में। देखिए फैलक्रम है, फैलक्रम दिख रहा है इसमें, इसमें आप देखिएगा कि एक तरफ से जो है लंबाई ज्यादा है, जैसे ये फैलक्रम है ना, आप देखिए ऐसे बना हुआ है, कैसे बना हुआ, इस तरह से बना हुआ है जी, इधर लोड है, इधर लोड है और इधर कम लोड है, तभी ये नीचे हो रहा है। क्यों, वजन जबकि इसका वेट ज्यादा है, इसका वेट 5 kg मान लीजिए है, इसका वेट 1 ही kg है, लेकिन फिर भी ये झुक जा रहा है 1 kg वाला, क्यों, क्योंकि जहां पर बोलो एक फिक्स्ड पॉइंट है ना, ये फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट से इधर के साइड में जो लीवर है इसकी लंबाई ज्यादा है, तो ये फोर्स को ज्यादा मैग्निफाई कर रही है, नीचे चली जा रही है, ज्यादा वजन बढ़ जा रहा है उसका, है ना, और 5 kg वाले को ऊपर कर देगा, पॉइंट कर देगा, समझ गया। गियर है, गियर जो होता है उसमें क्या बना होता है, टीथ बना होता है, जैसे हम बता रहे थे आपको, आप लोग उस वक्त भी नहीं समझ पाए, ऐसे ऐसे होता है लीजिए, अब इतना बनाने में बहुत टाइम लग रहा है, मान लेते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, ठीक। ये एक बड़ा गियर है, इसके साथ एक छोटा गियर अटैच है, छोटा गियर अटैच है, छोटा गियर अटैच है ना। इस बड़े गियर को मान लो हम घुमाते हैं, क्या करते हैं, घुमाते हैं, तो जितना देर में, जितना देर में बड़ा गियर एक चक्कर पूरा करेगा, एक राउंड पूरा करेगा, उतने देर में छोटा गियर जो है कई राउंड पूरा कर लेगा, यानी समझिए, यानी बड़े गियर का स्पीड स्लो है, स्पीड स्लो है, स्लो है, वही स्पीड छोटे गियर पे क्या हो रहा है, मैग्निफाई हो जा रहा है, तो छोटा वाला जो गियर पुली है वो तेजी से घूमता है, तेजी से घूमेगा, तो उसमें क्या हो रहा है, स्पीड मैग्निफाई हो जा रहा है, स्पीड की क्या है, फोर्स है, समझ गए।
कैसे बताएं आपको, अभी कौन चीज से हम समझा रहे आपको ध्यान नहीं आ रहा है। खैर इतना समझ में आया आप लोगों को, बड़ा वाला जो साइज का गियर है उसके पिच के साथ छोटा गियर लगा हुआ है, अटैच है। बड़े वाले को हम एक राउंड अगर हम पूरा करते हैं घुमा करके, बड़े वाले को एक राउंड घुमाते हैं, तो छोटा जो गियर है वो उतना देर में कई चक्कर पूरा करेगा, यानी उसकी स्पीड बढ़ जाती है, उसमें उसकी स्पीड मैग्नीफाई हो जाता है, ठीक है। यानी कुल्हाड़ी का आपने हम बताया ही कि उसका हैंडल क्या करता है, फोर्स को मैग्नीफाई करता है एक पॉइंट पर उसके धार पर, और लकड़ी कट जाती है, ठीक है। उसी तरीके से एक पुल्ली भी होता है, पुल्ली समझते हैं आप लोग, यह भी फोर्स को मैग्नीफाई करता है। इधर वेट लगा हुआ है और इधर से खींचा जा रहा है, क्या कर रहा है, खींचा जा रहा है। आप सपोज कीजिए, ऐसा सोचिए या मान लीजिए कि दो सौ किलो का कोई सामान है, कोई चीज है जिसका वजन 200 kg है, और वो नीचे रखा हुआ है, आप ऊपर चढ़ जाइए छत पे, आप बोलिए खींचिए, खिंचाएगा। हम लोग जैसे आदमी से नहीं खींचाएंगे, ठीक है, क्या होगा, नहीं खिंचाएगा। लेकिन उसी हम दो तल्ले की ऊंचाई पर एक पुल्ली लगा देते हैं, पुल्ली यानी एक व्हील होता है जो घूमता है, उसमें से जैसे आप, हाँ एकदम आसानी से समझ जाइए, कुआं होता है ना, कुआं, कुएं में आप बाल्टी डालते हैं और पानी खींचते हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये हुआ, एक तरीका होता ये है कि कुएं के बीच बीच में लकड़ी लगा के एक पुल्ली लगा रहता है, उसमें से रस्सी डाल करके बाल्टी डाली रहती है। ज्यादा आसान किसमें होता है खींचना, इसमें पुली लगा होता है, तो वो पुली क्या कर रहा है, आपका जो खींचना, आप जो पुल करते हैं, जो खींचते हैं, उस फोर्स को ये मैग्नीफाई कर देता है, ताकत को, इससे आप ज्यादा से ज्यादा वेट को आसानी से खींच करके ऊपर ले आते हैं, समझ गए, कोई मुश्किल, है एक व्हील एंड एक्सल, क्या है, व्हील एंड एक्सल, ये व्हील है किनारे साइड में, दो व्हील दिख रहा है आपको, दो साइड व्हील है, और ये बीच में जो है इसको बोलते हैं एक्सल, क्या बोलते हैं, AXLE एक्सल। ये कहां यूज होता है, फोर व्हीलर जो गाड़िया होती है ना, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, एक्सेल को घुमाया जाता है, एक्सेल को इंजन से, जो इंजन से एक्सेल जुड़ा रहता है, एक्सेल को घुमाया जाता है, और एक्सेल क्या करता है, उसके चक्के को घुमाता है। ये क्या करते हैं सुनिए, a wheel and axle work as a turning machine that make it easier to move something from one place to another। ये क्या करते हैं, ये वो मशीन है जो किसी भी
चीज को जो इन पर लोड किया रहता है उसको आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पर मूव कर देते हैं, है ना, टर्न हो करके, घूम करके, क्या हो करके, घूम करके, एक्सेल भी घूमेगा, चक्का भी घूमेगा, और इस पे रखा हुआ जो चीज है वो आसानी से आगे की तरफ या पीछे की तरफ या जिधर डायरेक्शन दीजिए दाएं बाएं उधर जाएगा, मूव करेगा, है ना। When the axle is turned, जब एक्सेल घूमता है, जब एक्सेल घूमता है, तो जो रिम है, रिम यानी व्हील, रिम यानी व्हील, वो ज्यादा तेजी से घूमता है, ज्यादा तेजी से घूमता है, समझे? नहीं समझे? जैसे ये एक्सेल की मोटाई कम है और व्हील, व्हील जो है उसका साइज बड़ा है, एक्सेल का साइज क्या है, छोटा है उसके मुकाबले। जब एक्सेल एक चक्कर पूरा करेगा, एक्सेल एक चक्कर पूरा करेगा, तो चूंकि एक्सेल के साथ व्हील जुड़ा हुआ है, तो व्हील को भी उतना ही समय में अपना एक चक्कर पूरा करना पड़ेगा, एक राउंड पूरा करना पड़ेगा। तो उसमें होगा क्या कि स्पीड जो है एक्सेल से ज्यादा स्पीड व्हील की हो जाती है, एक्सेल से ज्यादा स्पीड व्हील की हो जाएगी, क्योंकि व्हील का साइज बड़ा है। अभी आप समझिए कि कैसे समझाएं आपको, चीज समान रहे तब अपना बताने में भी आसानी होता है। जैसे एक लकड़ी ले लो पतला सा, ठीक है, है ना, एक लकड़ी ले लो, उसके साथ एक व्हील प्लास्टिक का काट करके, और करो तो समझ में आ जाएगा, कभी कभी करके देख लेना। एक लकड़ी ले लिया, एक किसी बोतल वोतल का भी किनारा काट लिया व्हील की तरह, वो है ना, और उस लकड़ी को एकदम बीचों बीच में उसके फिक्स कर दिया। अब वो व्हील हो गया और वो लकड़ी क्या हो गई, एक्सेल हो गई, एक्सेल हो गई। अब आप क्या कीजिए कि ये जो व्हील है और ये जो एक्सेल है, यहाँ पे एक निशान दीजिए लकड़ी के ऊपर, एक्सेल के ऊपर, और ठीक उसी के सीध ऊपर आप व्हील में भी एक निशान दे दीजिए, ठीक है। अब आप कुछ नहीं कीजिए, एक्सेल को एक चक्कर घुमाइए, एक चक्कर घुमाइए, तो आप देखिएगा इस निशान को घुमा के वापस आप लाइए, तो आप देखिएगा कि व्हील का भी निशान वापस आ रहा है उसी को, है ना। इससे ये पता चल जाता है कि एक्सेल से ज्यादा स्पीड व्हील को घूमना पड़ेगा, मोमेंटम को बराबर रखने के लिए, उसको स्पीड बनाए रखने के लिए जरूरी हो जाता है। यानी एक्सल तो पतला है, एक चक्कर हम घुमाया, लेकिन बड़ा व्हील उतने ही दूर में वो भी अपना चक्कर पूरा कर लेता है, उसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है, समझ गए। कैसे करके देखिए, अगर अगर एक बार ये करके आप लोग देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, समझ गया। स्क्रू क्या होता है जी, स्क्रू में जो है टर्न फोर्स होता है, स्क्रू जब भी आप हाथ में लीजिएगा तो उसमें आप देखिएगा एक पॉइंट होता है, नुकीला पॉइंट, उसके साथ जो है ये क्या बोलते हैं उसको, स्पाइरल जैसा बना रहता है, उसको उसका थ्रेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थ्रेड बोलते हैं। जैसे ये स्क्रू है ना जी, इसके साथ आप देखिएगा कि ऐसे स्पाइरल की तरह बना रहता है,
हाँ उसको भी कह सकते हैं। तो ये क्या है, ये टर्न फोर्स है। क्या है? टर्न फोर्स है, समझिए। एस क्यू चेंज अ स्मॉल टर्निंग फोर्स इनटू लार्ज डाउनवर्ड फोर्स। यहाँ से स्मॉल से शुरू होता है, स्मॉल से है ना, कसना शुरू किया जाता है यहाँ पर से स्मॉल। ये है इसका क्या बोलते हैं उसको, स्पाइरल है ना जी, थ्रेड है। अब ये बढ़ता जाएगा तो ये डाउनवर्ड फोर्स बढ़ाता चला जाएगा। क्या करेगा? डाउनवर्ड फोर्स बढ़ाता चला जाएगा और ट्रेन अंदर चलता जाएगा, कस जाएगा, टाइट हो जाएगा। समझ गया? फोर्स बहुत तरह का है, इतने तरह का फोर्स होता है ना। अगर सिर्फ फोर्स ही के बारे में अगर कोई पढ़े तो उसी का वो साइंटिस्ट बन जाएगा। तो हम लोग कितने तरह से समझ लिया फोर्स को? व्हील में समझा हम लोगों ने, व्हील में समझा, लीवर में, गियर में, वेज यानी कुल्हाड़ी में, पुल्ली में, व्हीलर एक्सेल, स्क्रू, उसके अलावा और कई सारी चीजें हम बता दिए आपको, जैसे रिंच है, हथौड़ी है, सुई है आपके घर में है ना, गिलास है, पेचकस है। ये सब क्या है? ये सब सिंपल मशीनें हैं जो हम लोग लगभग डेली घर पे यूज किसी काम में आता ही है ना। तो सिंपल मशीन का काम क्या है? फोर्स को मैग्नीफाई करके हमारे काम को क्या करना है, इजी कर देना। क्या करना? इजी कर देना, कम से कम एफर्ट में ज्यादा से ज्यादा मुश्किल काम निकल जाए, आसानी से चीज जो है ऑब्जेक्ट मूव हो जाए, डायरेक्शन दे दें, स्पीड बढ़ा दें, खोल दें, कस दें, काट दें, उठा दें, रख दें, है ना, ये सब चीज आसानी से हम कर लें, उसमें सिंपल मशीन आता है। तो इतना सब समझ गए आप लोग? यस सर। कोई ऐसा जो नहीं समझा हो कुछ? यस सर।